तो आज जो हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं वो है आईएससी क्लास 12 कॉमर्स का चैप्टर नंबर 13, जिस चैप्टर का नाम है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड फंक्शन। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, क्यों? क्योंकि यहाँ से हम लोग दूसरा यूनिट का शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को कंप्लीट कर दिए है टिल कंट्रोलिंग, अब हम लोग आते हैं मार्केटिंग में। और ये पहला चैप्टर है मार्केटिंग का जिसका नाम है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड फंक्शंस। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे मार्केट का मतलब क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट? मार्केट हम लोग सोचते हैं कि मार्केट का मतलब होता है कि एक भीड़ भाड़ वाला जगह जहाँ पे एकदम चलने का जगह नहीं है, गाड़ी जाने का जगह नहीं है, चिल्ला चिल्ली हो रहा है। भाई वो तो मार्केट है ही, बट सिर्फ वही मार्केट का डेफिनेशन नहीं है। मार्केट का डेफिनेशन अब बहुत वाइड हो गया है, बहुत सारा चीज़ जो है मार्केट में आ जाता है मार्केट के डेफिनेशन में। तो अगर हम लोग डिफाइन करें व्हाट इज मार्केट, तो मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स कम्युनिकेट विथ ईच अदर, इंटरैक्ट विथ ईच अदर एंड बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस। इट मे बी अ डायरेक्ट फेस टू फेस कॉन्टैक्ट और वर्चुअल ओवर द फोन और ओवर द इंटरनेट। अब वो जगह जहाँ पे बायर एंड सेलर्स एक दूसरे को इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मार्केट। जैसे कि एक फिजिकल मार्केट होगी, आप अपना तोपसिया का कोहिनूर मार्केट ले लो, वर्चुअल मार्केट जैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट, वो भी तो मार्केट है, वहाँ भी तो बायर एंड सेलर इंटरैक्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन मार्केट, वहाँ पे तुमको भीड़ नज़र नहीं आएगा, समझ में? तो दोनों ही क्या है, मार्केट का डेफिनेशन है। मार्केट कैन बी डिफाइंड एज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स कम्युनिकेट विथ ईच अदर, इट मे बी अ डायरेक्ट फेस टू फेस कम्युनिकेशन और ओवर इंटरनेट और एनी अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखो ना टीवी में न्यूज दिखाता है नाप तोल बाजार, है ना, तो वो भी क्या एक तरह का मार्केट है। तो अगर हम मार्केट को क्लासीफाई करें तो कितना टाइप्स में क्लासीफाई होगा बाबू? मार्केट का क्लासिफिकेशन डिपेंड करेगा टाइप्स पे। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, लो पेज 304, ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया मार्केट कैन बी डिफाइंड इनटू डिवाइडेड इनटू फोर टाइप्स। नंबर वन इज लोकल मार्केट, जो एक पर्टिकुलर एरिया के लिए है, जैसे कि अपना कोहिनूर मार्केट ले लो, लोकल मार्केट है, तोपसिया का आसपास का आदमी लोग वहाँ शॉपिंग करते हैं। दूसरा है रीजनल मार्केट, जो एक पर्टिकुलर रीजन के लिए है, जैसे कि फॉर एग्जांपल साउथ इंडिया, जैसे कि अपना ले लो तुम्हारा न्यू मार्केट नहीं, वो भी एक तरह का लोकल मार्केट ही हो गया कोलकाता के लिए। रीजनल मार्केट में अगर हम लोग आ जाएंगे, जैसे कि सदर्न इंडिया में एक एरिया हो गया जहाँ से पूरा इंडिया में आके शॉपिंग किया जा रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपना तुम बंगाल में ले लो, तो बंगाल में जूट जो है बहुत फेमस है, तो जूट का क्या है एक रीजनल मार्केट है, ऑल ओवर इंडिया से जो है यहाँ पर से सप्लाई होता है, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा नेशनल मार्केट, एंड लास्ट इज इंटरनेशनल मार्केट, जहाँ बाइंग एंड सेलिंग इंटरनेशनली हो रहा है। तो ये चार टाइप है, नेशनल मार्केट का मतलब ऑल ओवर इंडिया से बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है। फिर है ये था ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, लोकल, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब कितना क्वांटिटी में तुम प्रोड्यूस कर प्रोडक्शन कर रहे हो या कितना क्वांटिटी में बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम कितना ज़्यादा क्वांटिटी में बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है, हम लोग मार्केट को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक है होलसेल मार्केट, एक है रिटेल मार्केट। होलसेल मार्केट का मतलब होता है वो मार्केट जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग बल्क में हो रहा है, एक यूनिट खरीदने जाओगे बोलेगा बाबू नहीं मिलेगा, जाओ। जैसे हम लोग के बड़ा बाजार में देखो होलसेलिंग होता है, चश्मा का होलसेल, कपड़ा का होलसेल, तुम जाओ बोलो कि हमको एक जोड़ा मोजा लेना है, नहीं देगा वो तुमको, बोलेगा नहीं आपको दर्जन में लेना होगा, डजन में लेना होगा, बॉक्स में लेना पड़ेगा। तो ये हो गया होलसेल मार्केट। फिर एक रिटेल मार्केट, रिटेल मार्केट का मतलब होता है वो मार्केट जहाँ बाइंग एंड सेलिंग स्मॉलर क्वांटिटी में होता है अपना, जैसे अपना नीचे का मोदी दुकान है। फिर आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ एक्सचेंज, ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ एक्सचेंज मार्केट कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, एक है कमोडिटी मार्केट, दूसरा है कैपिटल मार्केट, तीसरा है मनी मार्केट। तो कमोडिटी मार्केट, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। कमोडिटी मार्केट का मतलब होता है वो मार्केट जहाँ पे गुड्स बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है, गुड्स का, सामान का, ठीक है। कैपिटल मार्केट का मतलब होता है वो मार्केट जहाँ लॉन्ग टर्म फाइनेंस के ऊपर डीलिंग हो रहा है, जैसे कि स्टॉक मार्केट। एंड मनी मार्केट का मतलब होता है वो मार्केट जहाँ शॉर्ट टर्म फाइनेंस के ऊपर डील हो रहा है, ठीक है। स्कैम 1992 देखे हो ना,
वहाँ पे जो हर्षद मेहता रहता है वो तो कैपिटल मार्केट का प्लेयर रहता है, फिर वो घुसते हैं मनी मार्केट में, और मनी मार्केट में घुसने के बाद उसका खराब टाइम स्टार्ट हो जाता है। मनी मार्केट मनी मार्केट में मतलब शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस के ऊपर डील होते हैं। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, किस वजह से आप खरीद रहे हैं, क्या पोजीशन है बायर्स एंड सेलर्स का, तो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्मिनल। तो प्राइमरी मार्केट का मतलब होता है वो मार्केट जहाँ पे प्राइमरी गुड्स मैन्युफैक्चरर अपना प्रोडक्ट को होलसेलर या एजेंट को बेच रहे हैं। फिर आता है सेकेंडरी मार्केट, वो मार्केट जहाँ पे होलसेलर अपना प्रोडक्ट को रिटेलर को बेचता है। एंड लास्ट में आता है टर्मिनल मार्केट जहाँ पे रिटेलर अपना कमोडिटी को डायरेक्टली अल्टीमेट कंज्यूमर को थमा दे रहे हैं, लो बाबू खुश रहो। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन मार्केट जो है दो टाइप में, एक है स्पॉट मार्केट दूसरा है फ्यूचर मार्केट। स्पॉट मार्केट का मतलब होता है वो मार्केट जहाँ पे गुड जो है फिजिकली ट्रांसफर होता है फ्रॉम सेलर्स टू बायर्स ऑन द स्पॉट, संगे संग ट्रांजैक्शन हो, ले बाबू गुड्स ले और निकल लो। हाँ, फिर होता है फ्यूचर मार्केट जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अभी हो रहा है लेकिन बाइंग एंड सेलिंग फ्यूचर में होगा, समझ में आ रहा है बात, जैसे कि हम बुकिंग कर लिए फ्लैट का, कॉन्ट्रैक्ट तो अभी हो गया लेकिन वो हमको बना के देगा कब, 3 महीना 6 महीना बाद, तो ये क्या हो गया फ्यूचर मार्केट। फिर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ गुड्स, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ गुड्स मार्केट डिवाइड होगा दो पार्ट में, प्रोड्यूसर्स मार्केट एंड कंज्यूमर्स मार्केट। कंज्यूमर मार्केट का मतलब होता है वो मार्केट जहाँ पे पर्सनल कंजम्पशन का सामान बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है, और पर्सनल कंजम्पशन मतलब टूथपेस्ट कोलगेट टूथब्रश ये सब थी, और प्रोड्यूसर्स मार्केट मतलब वो मार्केट जहाँ पे पर्सनल कंजम्पशन का सामान नहीं, जहाँ पे प्रोड्यूसर्स वैसा सामान जिसको आगे यूज किया जाएगा फर्दर प्रोडक्शन में उसका डीलिंग हो रहा है, जैसे कि रॉ मटेरियल्स हो गया, स्किन हो गया, स्किन ऑफ एनिमल हो गया, इससे क्या होगा लेदर बनेगा, फिर लेदर आगे चल के कुछ और बनेगा, समझ में आ रहा, कॉटन हो गया, या शुगर केन जूस हो गया, तो शुगर केन जूस को वापस से प्रोसेस करके उससे गुड़ हो गया चीनी हो गया ये सब बनाया जाएगा, तो ये सब हो गया प्रोड्यूसर्स मार्केट। तो ये सब तो था मार्केट। अब मार्केटिंग, सर मार्केटिंग का डेफिनेशन क्या, मार्केटिंग का मतलब बताइए ना। देखो बाबू मार्केटिंग का दो डेफिनेशन है, एक है ट्रेडिशनल डेफिनेशन एक है मॉडर्न डेफिनेशन, हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, हम लोग दोनों पढ़ेंगे। ट्रेडिशनल मतलब पुराना डेफिनेशन क्या था, और मॉडर्न मतलब अभी का क्या डेफिनेशन है मार्केटिंग का। तो ट्रेडिशनल डेफिनेशन था मार्केटिंग का, मार्केटिंग इज अ प्रोसेस वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज विद द इन टर्म्स ऑफ मनी। बस देखो इतना नैरो डेफिनेशन था, ट्रेडिशनली मार्केटिंग का मतलब था कि भाई पैसा के बदले में सामान को बेच दो, इसको ही क्या बोलते हैं मार्केटिंग, पैसा के बदले में सामान को बेच दो इसको हम लोग क्या बोलते हैं मार्केटिंग। लेकिन मॉडर्न मार्केटिंग का डेफिनेशन ये नहीं है बस सामान को बेच दो पैसा लो सामान बेचो, नहीं, मॉडर्न मार्केटिंग में इसका डेफिनेशन है मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग एंड ट्रांसलेटिंग ह्यूमन नीड्स एंड वॉन्ट्स इन टू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड देन हेल्पिंग मोर एंड मोर पीपल टू इंजॉय मोर ऑफ दिस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। मॉडर्न डेफिनेशन मार्केटिंग के बोला गया कि आप ह्यूमन का नीड्स और वॉन्ट्स को डिस्कवर करिए और उस नीड्स एंड वॉन्ट्स को आप कन्वर्ट कर दीजिए प्रोडक्ट या सर्विसेज में, जिससे उसको जिससे उस इंसान का नीड्स या वॉन्ट्स फुलफिल हो पाए और फिर उस प्रोडक्ट या सर्विसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाइए, इसी का बोला गया है मार्केटिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल जोमैटो और स्विगी वाला लोग देखा यार बहुत सारा टाइम इंसान को ना अलग अलग होटल का बाहर का खाना खाने का दिल तो रहता है लेकिन उसको बाहर जाने का दिल नहीं है, उसके पास टाइम नहीं है उतना, तो ये प्रॉब्लम है एक। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट इस तरह से किया जाएगा कि आपको जो होटल का खाना खाना है आप बोलिए हम आपको घर में ला कर देंगे, तो ये क्या हुआ एक तरह का मार्केटिंग हुआ, समझ में आ रहा है कि एक ह्यूमन नीड्स एंड वॉन्ट्स को डिस्कवर किया गया और उस वॉन्ट्स को ध्यान में रखते हुए एक प्रोडक्ट या सर्विस डिजाइन कर दिया गया, और देखो इतना चल भी गया आज, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया मॉडर्न डेफिनेशन क्या है मार्केटिंग का, ना ना ना। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं अब मार्केटिंग एंड सेलिंग। सर मार्केटिंग और सेलिंग के बीच में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। बहुत को लगता है मार्केटिंग मतलब बेचना, बेच दो, नहीं, मार्केटिंग का मतलब सिर्फ बेचना नहीं होता है, अरे बेचना तो मार्केटिंग का एक पार्ट है बस, समझ में आ रहा है बात, बेचना क्या है वो तो मार्केटिंग का बस एक पार्ट है,
सेलिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। अगर मार्केटिंग चार तल्ला बिल्डिंग है तो सेलिंग उस चार तल्ला बिल्डिंग में सिर्फ एक फ्लैट है। समझ में आ रहा, उस चार तल्ला बिल्डिंग का एक छोटा सा फ्लैट है सेलिंग। मार्केटिंग एक फोर्थ फ्लोर वाला बिल्डिंग है और सेलिंग उस फोर्थ फ्लोर बिल्डिंग में एक फ्लैट है। समझ में आए, तो सेलिंग इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, इट इज नॉट कंप्लीट मार्केटिंग। मार्केटिंग का बहुत वाइड टर्म है, उसमें बहुत कुछ आता है, सेलिंग भी उसका एक पार्ट है। अब दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है, अब हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला डिफरेंस, मार्केटिंग एक वाइड टर्म है, सेलिंग एक नैरो टर्म है, वो वाइड टर्म नहीं है। ठीक है, दूसरा, मार्केटिंग इज प्रोडक्ट सॉरी इज कस्टमर ओरिएंटेड। मार्केटिंग में कस्टमर का ध्यान रखा जाता है, कस्टमर को कैसे खुश करना है। वेयर एज इन सेलिंग इट इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड और सेलर ओरिएंटेड। प्रोडक्ट को बस बेचना है, प्रोडक्ट को बस बेचना है या सेलर को खुश करना है, सेलर का ध्यान रखा जाता है। क्लियर हुआ पॉइंट? हाँ, ये सेलिंग है। दूसरा, मार्केटिंग का मोटिव है प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर को खुश करके प्रॉफिट कमाना है। सेलिंग का ऑब्जेक्टिव है मार्केटिंग प्रॉफिट थ्रू सेलिंग। समझ में आ रहा है, बस उसको सेल करके प्रॉफिट कमाना है, ये है सेलिंग का ऑब्जेक्टिव। सेलिंग बिगिंस आफ्टर प्रोडक्शन। अब देखो, तुम सामान बेचोगे कैसे भाई, पूरा प्रोडक्शन हो जाएगा तभी तो बेचेंगे। बट मार्केटिंग बिगिंस बिफोर प्रोडक्शन। मार्केटिंग देखो, प्रोडक्ट निकलने से पहले उसका एडवर्टीजमेंट चालू है ना, उसके बारे में कमिंग सून ये वो चालू, ये सब क्या मार्केटिंग है। एंड सेलिंग एंड्स आफ्टर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। सेलिंग क्या, जैसे प्रोडक्ट ट्रांसफर कर दिए सेलिंग खत्म, बट मार्केटिंग आफ्टर सेल भी चलता है ना। प्रोडक्ट में कुछ गड़बड़ हुआ, हम कस्टमर केयर को कॉल किया, हो भाई क्या हुआ, क्या सामान दिया, वापस लेके जाइए, नहीं चाहिए रिटर्न कर दीजिए, वो आएगा रिटर्न लेने के लिए। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आफ्टर सेल सर्विस, ये भी मार्केटिंग का एक पार्ट है। तो क्लियर हो रहा है पॉइंट, मार्केटिंग और सेलिंग के बीच का क्या डिफरेंस है। चलो बहुत अच्छा, अब हम लोग आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग। सर क्यों बड़ा बड़ा कंपनी देखो करोड़ों रुपीस बिलियंस ऑफ डॉलर्स मार्केटिंग में लगा देते हैं अपना, क्यों, या जरूरत है इसका। तो ऑब्जेक्टिव क्या है मार्केटिंग का, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। देखो मार्केटिंग का बाबू चार ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तुम मार्केटिंग में सबसे पहले ये फोकस किया जाता है। देखो जेफ बेजोस को तो सभी लोग जानते होंगे, अमेजोन का जो ओनर है, वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं हम सोचते हैं कस्टमर इज द किंग एंड हाउ कैन आई सेटिस्फाई माई किंग। जेफ बेजोस बोलते हैं कि आई थिंक दैट कस्टमर इज द किंग एंड हाउ कैन आई सेटिस्फाई माई किंग, और यही सोच के वो अपना प्रोडक्ट को डिजाइन करता है। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग में। दूसरा है प्रॉफिटेबिलिटी। भाई एंड गेम, बिजनेस का एंड गेम क्या है, प्रॉफिट है ना, मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट। तो मार्केटिंग के थ्रू प्रॉफिट भी जेनरेट करना है। प्रॉफिट कैसे जेनरेट होगा, सर मार्केटिंग में तो पैसा खर्च होता है। अब वो पैसा खर्च होगा तभी तो लोगों को पता चलेगा, तभी तो लोगों के ऊपर विश्वास आएगा। देखो जैसे कि हम एक एग्जांपल देंगे, अगर तुमको मार्केटिंग का बहुत इजी, आज ही जैसे कि हम एक कमोडिटी खरीद रहे थे ऑनलाइन, ठीक है, एक टी शर्ट देख रहे थे, तो टी शर्ट खरीदने से पहले हम क्या देखे फ्लिपकार्ट में कि भाई इसका रिटर्न पॉलिसी है, तो क्योंकि अगर हम मिला मंगवा लिया और हमको छोटा बड़ा हुआ कि हमको पसंद नहीं आया, तो अगर उसमें रिटर्न पॉलिसी था तो हम ऑर्डर कर दिए, अगर रिटर्न पॉलिसी नहीं रहता तो हम ऑर्डर नहीं करते। क्यों, क्योंकि अब मेरा मोटिव ये नहीं है कि हम उसको रिटर्न करेंगे ही करेंगे, लेकिन एक सेफ साइड के लिए हम पॉलिसी चेक कर लिए। अब इससे क्या हुआ, ये एक मार्केटिंग का तरीका है ना, जिससे प्रॉफिट बढ़ा कि हाँ भाई हम रिटर्न पॉलिसी लिए, अगर 10 आदमी खरीदेगा तो 10 में हो सकता है एक रिटर्न करे, 9 तो नहीं खरीदेगा, नहीं रिटर्न करेगा, लेकिन अगर ये रिटर्न पॉलिसी नहीं देंगे तो हो सकता है जो 10 आदमी खरीदने वाले उसमें से 8 खरीदे ही ना। तो मार्केटिंग क्या करता है, प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। मार्केटिंग क्या करता है, अलग अलग फंक्शंस को जो डिपार्टमेंट गया उसको कोऑर्डिनेट और इंटीग्रेट यूनाइट करके रखता है सर्विस टू सोसाइटी। मार्केटिंग क्या करता है, सोसाइटी को सर्व करने में हेल्प करता है, ठीक है। कैसे सर सर्व करेगा, क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करेगा रीजनेबल प्राइस में, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेस करेगा, ये सब के थ्रू सर्विस देगा सोसाइटी को। ये चार क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे, देखो जोमेटो ओला उबेर तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अपग्रेड नहीं किया है ना, तो फिर चलो अब आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग।
ये सब था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग। अब आते हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। सर इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग क्या है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। सबसे पहला है फाउंडेशन ऑफ बिजनेस। देखो मार्केटिंग जो है ना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन है। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग रहेगा तो इमारत मजबूत बनेगा। ठीक है ठीक है, अगर फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं रहेगा तो इमारत मजबूत नहीं बनेगा। उसी तरह अगर मार्केटिंग सही से किया गया हो तो तुम्हारा कमोडिटी ऑर्गेनाइजेशन तेजी से ग्रो करेगा। ठीक है ना। फिर सोर्स ऑफ रेवेन्यू। देखो मार्केटिंग के थ्रू तुम अपना प्रोडक्ट को नोन करवाते हो लोगों तक, और इसके थ्रू क्या होगा, नोन करवाने के थ्रू तुम्हारा सेल बढ़ेगा। जब सेल बढ़ेगा तो रेवेन्यू भी तो बढ़ेगा। ठीक है ना। फिर आता है सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर नीड्स। मार्केटिंग क्या करता है, कस्टमर का नीड्स को सेटिस्फाई करने में हेल्प करता है। इस तरह से कमोडिटी को डिजाइन करता है कि तुम्हारा नीड सेटिस्फाई हो। हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये भी हम एक्सप्लेन किए किस तरह से मार्केटिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हाई करता है, रेज करता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। भाई मार्केटिंग करोगे तुम, एडवर्टाइज करोगे, कार्ड बांटोगे, प्लाकार्ड चिपकाओगे, बंटवाओगे, ये सब के लिए तो आदमी चाहिए, तो लोग चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है मार्केटिंग के थ्रू। समझ में आ रहा है। तो ये सब पॉइंट जो है इम्पोर्टेंस है मार्केटिंग का। चलो अब हम लोग आते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट फंक्शन, मार्केटिंग फंक्शन। सर मार्केटिंग का कितना फंक्शन है। मार्केटिंग का फंक्शन को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो फंक्शन है, पांच पॉइंट्स पढ़ लेंगे ठीक है इंपॉर्टेंस का। तो पहला है फंक्शन ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज फंक्शन। दूसरा है बाइंग असेंबलिंग, नहीं दूसरा है फंक्शंस ऑफ फिजिकल सप्लाई, और तीसरा है फैसिलिटेटिंग फंक्शन। मार्केटिंग का फंक्शन को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक्सचेंज फंक्शन, फिजिकल फंक्शंस या सप्लाई फंक्शन, एंड तीसरा जो है फैसिलिटेटिंग फंक्शन। एक्सचेंज फंक्शन में दो चीज़ आता है, एक्सचेंज फंक्शन के अंदर में दो फंक्शन आता है, एक है बाइंग एंड असेंबलिंग, दूसरा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइंग एंड असेंबलिंग में क्या फंक्शन है, बाइंग एक फर्स्ट स्टेप है मार्केटिंग का। बाइंग का मतलब भाई आप रॉ मटेरियल कहाँ से लीजिएगा आप, या फिर फिनिश गुड्स आप कहाँ से खरीदिएगा, ये सब पहला फंक्शन हो गया मार्केटिंग का। हम अपना जो सामान बेचेंगे उसको खरीदेंगे कहाँ से, रॉ मटेरियल कहाँ से लाएंगे, तो पहला है। दूसरा है असेंबलिंग फंक्शन। उसको अगर बहुत से अटैम्प्ट क्या होते हैं ना, हम लोग सामान को क्या करते हैं, खरीदते नहीं है, क्या करते हैं असेंबल करते, अलग अलग जगह से लाके अपने यहाँ पे बनाकर बेच दिए, ठीक है ना। या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को बोला गया मार्केटिंग का हार्ट, है ना। तुम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हो अपने प्रोडक्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा बड़ा बड़ा कंपनी का काम रहता है सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का, HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ITC, ये सब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरह से आप अपना प्रोडक्ट को कोना कोना तक पहुंचाते हैं, हर एक हाथ में पहुंचाते हैं। तो क्लियर हो गया पॉइंट, ये सब क्या था, ये दोनों एक्सचेंज फंक्शन, बाइंग एंड असेंबलिंग एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा आता है फंक्शंस ऑफ फिजिकल सप्लाई, इसमें आता है ट्रांसपोर्टेशन या स्टोरेज और वेयर हाउसिंग। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है गुड्स को फिजिकली किस तरह से ट्रांसफ़र करना है, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से लेकर प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से उठाकर उसको प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक किस तरह से पहुंचाएंगे, इसको बोला जाता है ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन। ठीक है, ये भी मार्केटिंग का एक फंक्शन है। रोड के थ्रू पहुंचाओ, रेल के थ्रू पहुंचाओ, कुरियर के थ्रू पहुंचाओ। फिर आता है स्टोरेज और वेयर हाउसिंग। अपना कमोडिटी को तुम तो बल्क में प्रोड्यूस कर रहे हो, तो उसको रखोगे कैसे, स्टोर कैसे करोगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है मार्केटिंग का। समझ में आ रहा है, वेयर हाउसिंग या स्टोरेज फंक्शंस। अब आते हैं हम लोग फैसिलिटेटिंग फंक्शन में। फैसिलिटेटिंग फंक्शन का सबसे पहला है, हाँ वही तो, फैसिलिटेटिंग फंक्शन में सबसे पहला है मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च का मतलब हम पहले भी बताए तुम लोगों को, मार्केटिंग रिसर्च का मतलब होता है मार्केट में इस तरह से रिसर्च करना, वहाँ का डेटा कलेक्ट करना, डेटा को एनालाइज करना, समझ में, और उस हिसाब से अपना प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को डिज़ाइन करना, इसको बोलते हैं मार्केटिंग रिसर्च। तुम कोई भी कमोडिटी को मार्केट में लॉन्च करना, जैसे कि देखो अगर तुम लोग को याद होगा तो जियो जो 5G 4G
लॉन्च किया, अपना डेटा लॉन्च किया, तो डायरेक्टली लॉन्च नहीं किया, उससे पहले हम लोग का अलग अलग एरिया में फ्री वाईफाई दिया था ना जियो का, याद होगा पार्क सर्कस में दिया था, पार्क स्ट्रीट में दिया था, पार्क सर्कस मैदान में सब जो है नल्ला बेरोजगार लड़का लोग बैठ के रहता था, जाके वाईफाई यूज़ करता था, हम लोग भी उसमें से एक थे पहले, उस वक्त 10-11 में पढ़ते थे, 10-11 में पढ़ते थे, ठीक है, तो जाके वैसे ही वहाँ पे बैठ के रहते थे। तो ये क्या मार्केटिंग रिसर्च हुआ कि भाई हम जो 4G लॉन्च करने वाले हैं, बाबू बंद करो इसको, जो लॉन्च करने वाले हैं तो वो चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक है। ये हो गया मार्केटिंग रिसर्च, मार्केट का डेटा कलेक्ट करना। फिर आता है प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, तुम अपना प्रोडक्ट को किस तरह से प्लान करोगे, किस तरह से डेवलप करोगे, ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है मार्केटिंग का। प्रोडक्ट को इस तरह से डिज़ाइन करना है, डेवलप करना है कि कंज्यूमर को अट्रैक्टिव लगे, कंज्यूमर उसको खरीदे। स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग का मतलब प्रोडक्ट को, अब देखो जैसे कि चाय पत्ती जैसे हो गया, 200 रुपये से लेकर 2000 रुपये के जी तक बिकता है, तो इसको तो ग्रेड करना पड़ेगा ना, स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा ना, तो ये भी एक फंक्शन है मार्केटिंग का, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, क्वालिटी के हिसाब से उसको ग्रेड करना। फिर आता है तुम्हारा पैकेजिंग है, पैकिंग एंड पैकेजिंग, इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे आगे मार्केटिंग मिक्स वाला चैप्टर में। पैकिंग एंड पैकेजिंग, पैकिंग का मतलब क्या होता है, पैकिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट को रैप करना, डब्बा में डालना, रिफिल करना, ताकि वो खराब ना हो जाए। और पैकेजिंग का मतलब होता है उस डब्बे के ऊपर डिज़ाइन बनाना, लेबल चिपकाना, ठीक है, ताकि वो कमोडिटी पहचाना जाए उस चीज़ से। फिर है तुम्हारा ब्रांडिंग, ये भी एक फंक्शन है मार्केटिंग का। ब्रांडिंग का मतलब अपना प्रोडक्ट नेम या अपना सर्विसेज को पॉपुलर करना, एक डिस्टिंक्टिव नेम या यूनिक नेम जिससे वो जाना जाए, जिसको और कोई कॉपी ना कर सके। बहुत सारा ब्रांड है, हर फील्ड में ब्रांड है, पेन में ही ले लो, अब तुम्हारा लिंक हो गया पेंटोनिक हो गया, हम लोग के टाइम में पेंसिल हम लोग यूज़ करते तो नटराज हम लोग यूज़ करते थे, अप्सरा यूज़ करते थे, है ना। फिर है तुम्हारा प्राइजिंग, अब देखो प्राइजिंग भी क्या है, प्राइजिंग भी एक फंक्शन है मार्केटिंग का, क्योंकि तुम सब कुछ सही किए लेकिन अगर प्राइजिंग उल्टा सीधा कर दिए ना, प्रोडक्ट नहीं चलेगा। क्योंकि इंडियन मार्केट में प्राइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए देखो मुकेश अंबानी अभी आरसी कोला को इंट्रोड्यूस किया, कितना कैंपा कोला को इंट्रोड्यूस किया, 10 रुपया 20 रुपया, उन लोगों को पता है ये लोग गरीब है सर, 20 रुपये में ये लोग खरीदेगा, 30-40 रुपये में नहीं खरीदने जाएगा। अभी देखो हम लोग दुकान वालों को खोज के बोलते हैं, भाई वो कैंपा 20 वाला दोगे, है ना। हाँ, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्समैनशिप, ये भी क्या, एडवर्टाइजिंग मतलब होता है अपना प्रोडक्ट को नोन करवाना पेड फॉर्म के थ्रू, ठीक है। एंड सेल्समैनशिप का मतलब होता है प्रोडक्ट को 1:1 में, फेस टू फेस सिचुएशन में बेचना, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग हैं। अब आते हैं लास्ट पोर्शन में, ई मार्केटिंग। ई मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, ई मार्केटिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिकली मार्केटिंग करना, सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप, फेसबुक, ठीक है, ईमेल्स, इंटरनेट के थ्रू, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग। जैसे कि हम तुम लोग को बोलते हैं ना, बाबू मेरा जो वीडियो है उसको स्टेटस में लगा दो, पैम्फलेट जो उसको स्टेटस में लगा दो, तो ये क्या है, ये ई मार्केटिंग का एक तरीका है। तो क्लियर, होपफुली आप लोग को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ये इंट्रोडक्शन था मार्केटिंग वाला चैप्टर का। अभी आगे जो है हम लोग मार्केटिंग मिक्स जो करेंगे वो और इम्पोर्टेंट चैप्टर, और ये तीनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत मार्क्स आने वाले हैं, तो इसको एकदम अच्छे से पढ़ना है, बार बार घुमा घुमा कर ये वीडियो को देखना है। अगर कुछ डाउट है तो हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है उसमें भी कॉन्टैक्ट आप लोग कर सकते हैं। एग्जाम अब आने वाला है, ज़्यादा टाइम एग्जाम के लिए है नहीं, तो मेरे यूट्यूब चैनल में अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है अलग अलग चैप्टर्स का, बहुत सारा, उससे आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो हमको पर्सनली भी आप लोग व्हाट्सएप में या कमेंट सेक्शन में डीएम कर सकते हैं। मेरा जो फ़ोन नंबर है वो इस चैनल के अबाउट में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।